अरविंद विश्वकर्मा जी हमारे साथी हैं, जिनका पूर्व विधानसभा क्रमांक 97 में बूथ क्रमांक 152 पर उनके परिवार का नाम था। पर मालूम नहीं किस अरविंद विश्वकर्मा जी हमारे साथी हैं जिनका पूर्व विधानसभा क्रमांक 97 में बूथ क्रमांक 152 पर उनके परिवार का नाम था। पर मालूम नहीं उस मतदाता सूची के उनके पते पर डिलीट की स्लिप लगी हुई है, जिसकी जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि आखिर उस मतदाता के परिवार या उसका नाम पर डिलीट क्यों किया गया है। क्या किसी ने शिकायत की है या फिर कोई नगर क्या जिला निर्वाचन अधिकारी या कोई कर्मचारी वहां जांच करने गया है, जबकि वो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं और वहीं पर वर्षों से रह रहे हैं। और इस प्रकार की जो धांधलियाँ हैं, और भी कई शिकायतें मिली हैं, जिसको लेकर अभी हमने यहाँ पर जो हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं, हमने उनको शिकायत की है और उन्होंने उसमें जांच करने के हमें निर्देश दिए हैं। और यदि अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां अगर प्रशासनिक रूप से होती रहीं और लापरवाही होती रही, तो मुझे नहीं लगता कि यह चुनाव निष्पक्ष रूप से हो पाएगा। मेरा निवेदन है समस्त निर्वाचन अधिकारियों से कि वो सतर्कता रखें, और अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही उनके या उनके स्टाफ के द्वारा हो रही है तो उस पर वो तुरंत तत्काल कार्रवाई करें। विशेष तौर पे अभी तो पूर्व विधानसभा की जो जानकारी हमारे सामने आई उसमें है, पहले भी इसकी हमने शिकायत माननीय उच्च न्यायालय जी को की है कि एक हमारे स्थान के वर्ग के लगभग लगभग 9000 लोगों के आसपास नाम काट दिए गए थे। हमने जब यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी को रखा तो वो समय मान्य नहीं तैयार थे, तब हम हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय गए और हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए कि ये नाम जोड़े जाएं। अभी तक कितने लोग के नाम कटने हैं? अभी हमने एक लिस्ट देख रही है, अभी जो जानकारी आई है वो लगभग 3 लोगों की जानकारी अभी आई है। बाकी हम लोग अभी उस पर और सर्च कर रहे हैं कि कौन कौन से और लोग हैं जिनके नाम ये कटे हैं, क्योंकि अब जब एक चीज़ पता चली है तो हम बाकी भी उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा भाई साहब, आयोग की मंशा थी राजनीतिक दलों से कि वो डे बाई डे जो उनके कार्यालय खर्च का डेटा है, जब से आचार संहिता लगी तब से जिला निर्वाचन अधिकारी को जमा करवाएं डे बाई डे। अभी तक ना आपकी पार्टी ने जितनी आप निष्पक्षता की अपेक्षा आयोग से करते हैं, क्या राजनीतिक दलों को भी? अभी तक मुझे तो बाकी राजनीतिक दलों की जानकारी नहीं है, पर जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो जिस दिन से आचार संहिता लगी हुई है, हम लोगों ने उसका पालन किया है और कोई भी एक कार्यक्रम, एक छोटी सी बैठक भी हमारे कांग्रेस कमेटी कार्यालय में नहीं हुई है। खर्च खर्च का जो डेटा है, हाँ, कोई काम ही नहीं हुआ तो उसका खर्च देने की भी बात ही नहीं होती है। पर जहाँ से भी उस हमारे कार्रवाई जो भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे, बाकायदा आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए समय पर निर्वाचन आयोग को उसका खर्चा दे दिया जाएगा।